हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी जो सितोशी कुसामा है उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दी है, पूरा एक आर्टिकल लिखा उन्होंने बर्न को लेकर। लेकिन इसी के साथ साथ अभी क्या कि सडनली एक बर्न ऑलरेडी हो चुका है जो लगभग 90-91 हजार डॉलर के आसपास का बर्न हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 8.6 बिलियन शिबा इनुस को बर्न कर दिया गया और इसी के साथ और भी काफी सारी अपडेट्स आ रही है शिबा इनु को लेकर। तो अगर आपने भी शिबा इनु बाय किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपने कितने शिबा इनुस होल्ड किए हुए हैं और किस एक्सचेंज के ऊपर होल्ड किए हैं ये एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आजकल सही कॉइन के साथ साथ सही एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो आपको पता होगा कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपॉजिट में, विड्रॉल में, या फिर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करनी हो उसमें, या फिर टीडीएस लग जाता है, टैक्सेस कट जाते हैं, या फिर आपने पैसा डाला कभी डाला ही नहीं, कभी विड्रॉ किया तो विड्रॉ ही नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उस चीज को सामने लेकर आऊंगा ताकि हमारी आवाज एक्सचेंजेस तक या फिर गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉफ्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है और हमारा वॉफ्ड डिस्कस के नाम से ग्रुप भी है जो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे ट्रेडर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे वहां पे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो कल से हम देख पा रहे थे कि BTC 42,000 डॉलर से नीचे गिरा, लगभग 41,000 डॉलर के आसपास गिरा और इससे क्या हुआ कि जो ऑल्ट कॉइन्स वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे मार्केट में। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि अभी ऑल्ट सीजन होने की वजह से ऑल्ट कॉइन्स एकदम से नीचे नहीं गिर रहे हैं, बल्कि वो वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं अगर BTC नीचे जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो इस टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ICP, BTTC या फिर फिल कॉइन। ऐसे कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल के दिन दी थी, कल एक वीडियो डाला था जिसमें, जो कि लास्ट वीडियो है जिसमें हमने टॉप 5 कॉइन्स के बारे में बात करिए कि जो आपको बेस्ट प्रॉफिट देने वाले हैं, तो वो वीडियो जाकर चेक जरूर करें। लेकिन आज का वीडियो हमारा है शिबा इनु के बारे में। शिबा इनु की आपने पोजीशन देखी होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप 16th के आसपास चल रही है। इसका जो मार्केट कैप है लगभग 6.3 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये 400% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि बहुत तेजी से इसमें ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है और इसका जो मार्केट कैप है वो भी लगभग 9-10% बढ़ चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो शिबा इनु की बात करें तो यहाँ पे अभी 4 जीरोस बाकी हैं। तो बहुत बार हमारी जो डिबेट होती है वो यही होती है कि क्या ये 1 सेंट जाएगा या 1 डॉलर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक तरह की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर इतनी तेजी से बर्न्स किए जाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इसका प्राइस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसके अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो ये 589 ट्रिलियन शिबा इसके आसपास है और ये जो सप्लाई है लगातार बर्न भी करी जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो सडनली बर्न हुआ था उसमें क्या है कि लगभग 8.6 बिलियन शिबा इनुस को ऑलरेडी बर्न कर दिए गए। यहाँ पे चाहे इनकी वैल्यू 90-91 हजार डॉलर के आसपास बन रही है लेकिन फिर भी इन कॉइन्स को बर्न करने के लिए क्या कि इन्होंने एक ऐसे एड्रेस पे डाला गया जहाँ से शिबास को कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस तरीके से सप्लाई को कम किया जाता है, जैसे सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी और इससे क्या कि वैल्यू भी बढ़ने वाली है और ये चीज़ हम लगातार देखते आ रहे हैं। यही कारण है कि पहले शिबा इनु के प्राइस में बहुत ज़्यादा जीरोस होती थी और आज सिर्फ 4 ही जीरोस बची हैं और धीरे धीरे और भी कम होती जा रही है। तो जो सतोशी कुसामा है उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान रिवील किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक ग्लोबल शिब अडॉप्शन प्लान बनाया है जिससे क्या कि शिबा इनुस का बर्न्स का जो एक्सेलरेशन है वो भी होने वाला है, जो कि हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, यानी कि शिबा इनु की जो बर्निंग है वो लगातार और भी तेजी से बढ़ने वाली है। तो आज हमने सिर्फ 8.6 बिलियन शिबास की बात करी है लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बताया कि काफी सारे ऐसे बिलियन ऑफ शिबास जो पड़े हैं उनको ऑलरेडी ट्रैक पे लगा दिया गया इन पाइपलाइन है जो कि बर्न किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। यहाँ पे अगर इसी के साथ एक बड़ी और चीज देखें तो वो है शिबेरियम के ऊपर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उससे भी शिबा की जो बर्निंग है या फिर बर्निंग रेट है वो और भी तेजी से बढ़ता है। अब शिबेरियम के बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि शिबेरियम का 2.0 आने वाला है, पिछले बेयर मार्केट चल रहा था जिसकी वजह से कोई खास अपडेट नहीं आई थी लेकिन अभी सडनली हमें अपडेट देने वाले शिबेरियम 2.0 के बारे में जिसका ऑलरेडी टेस्टनेट आ चुका है और उसका मेननेट बाकी है। अगर आप नहीं जानते तो लास्ट अपडेट जब शिबेरियम का आया था तो उसी वक्त शिबा में एक बहुत बड़ा हमें सर्च देखने को मिला, यानी कि इसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा और मैं सिमिलर इंपैक्ट इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है कि शिबेरियम के 2.0 के आने की वजह से या फिर इसका जैसी मेननेट आएगा उससे और भी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है शिबा में। तो यहां पे 2-3 चीजें इकट्ठी हो जाएंगी जिसमें ऑलरेडी आपको बताया कि बर्निंग रेट बढ़ता जा रहा है, बर्न्स और भी ज्यादा होंगे, शिबेरियम ट्रांजेक्शन से भी और ज्यादा बर्न होने वाला है, इसी के साथ साथ इसकी जो ग्लोबल अडॉप्शन होगी, ग्लोबल अडॉप्शन से क्या होगा इसकी, इसको जो पेमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा, ट्रांजेक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही हर एक ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पे बर्निंग चलती ही रहेगी और ये खुद मैनुअली भी कितना बर्न कर रहे हैं। तो बर्निंग के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जैसी सप्लाई कम होती जाएगी अडॉप्शन भी बढ़ती जाएगी, शिबा को मेनस्ट्रीम में यूज किया जाएगा इवन फॉर पेमेंट्स या फिर इसको एज ए एसेट माना जाएगा, तो डेफिनेटली शिबा बहुत ऊपर जाने वाला है।
लेकिन यहाँ पे जो सितोशी कुसामा है उन्होंने एक चीज क्लियर करी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की वजह से हो रहा है, यानी कि जो शिबा की कम्युनिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनका बिलीफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि क्यों आज भी हम शिबा को 16th पोजीशन पर देख पा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 8.6 बिलियन जो सप्लाई बर्न करी गई है, लेकिन यहाँ पे 25 बिलियन शिबा टोकन्स की बर्निंग की बात करी जा रही है एक्चुअल में, कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में से इतनी ज़्यादा सप्लाई को बर्न किया जाएगा। और ये ट्रांजेक्शन आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने हमारे ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपका लिंक खुलेगा, आप हर एक चीज़ डिटेल में देख पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों की बात करी है जो हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। एक तो ये कि इन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक एक अनाउंसमेंट आने वाली है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अनाउंसमेंट में से एक होगा, क्योंकि इसमें शिबा के अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड की बात करी जा रही है। एक तो इसमें शिबेरियम की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है, दूसरा ये कि इसकी जो वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन हो रही है। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है कि इनकी एक पार्टनरशिप होने वाली है, यानी कि शिप की पार्टनरशिप होने वाली है। तो ये मेन रीज़न है, मेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हैं कि क्यों शिबा इनू अभी अब फिर से हाइप में आने वाला है। इस महीने की बात करें तो लगभग 20% का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन आपने शिबा कितने बाय किए हैं या फिर होल्ड किए हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट और बुरे प्रोजेक्ट में क्या क्या फर्क होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रोजेक्ट को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट की एक लिमिटेड हाइप होती है, एक थोड़ी टाइम के लिए हाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्गकॉन आया, बहुत ज़्यादा धमाल मचाया पूरी मार्केट में, आप अभी देख सकते हो 24 आवर्स का जो टॉप लूजर है उसमें बॉन्गकॉन चल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। आई थिंक ये फॉर द रीज़न यही है कि क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन चल रही है, लेकिन अगर आप 24 आवर्स का टॉप ट्रेंडिंग में देखोगे या फिर टॉप गेनर्स में देखोगे, यहाँ पे ICP, AXL, BGB के बाद कौन सा आ रहा है, शिब, यानी कि यहाँ पे इसकी लगातार वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन वैल्यू क्यों बढ़ रही है, यहाँ पे जो इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 24 आवर्स के वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन, इथेरियम, एवलांच, सोलाना ये देखेंगे और इसके बाद शिबा दिख रहा है। तो ये एक चीज़ प्रूव करता है कि शिब की ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा बड़े वॉल्यूम पे, बड़े लेवल पे करी जा रही है। तो नेक्स्ट वीक अनाउंसमेंट अवेटेड है, यानी कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है ये हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक आपको मैंने बताया कि शिबेरियम का, दूसरा ये कि शिब द मेटावर्स की भी बात करी जा रही है, क्योंकि शिबा इनू की टीम ने एक प्रीव्यू स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें मेटावर्स ही दिखाया गया। और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने कन्फर्म करी है कि बाय द एंड ऑफ 2023 MB टीम इज कॉन्फिडेंट की एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं, जिसमें ये वर्ल्ड बिल्ड, डिज़ाइन, प्ले एंड डेवलप करने वाले हैं। और ये सब चीज़ें किसमें होती है, ये सिर्फ मेटावर्स में होती हैं, यानी कि फुली कंप्लीटेड मेटावर्स प्रोजेक्ट ये लेकर आने वाले हैं। एंड मेक श्योर, जो आपको हर बार बताता हूँ, कि शिप का इकोसिस्टम बड़ा है, इसमें जो बोन कॉइन है उसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बोन कॉइन अगर आपने बाय किया है तो उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ इनके जो बाकी कुछ कॉइन्स आ रहे हैं या धीरे धीरे ये ला रहे हैं, जैसे कि शाई कॉइन है या फिर इनका अपना खुद का जिसको ये स्टेबल कॉइन बोल रहे हैं, तो ऐसे कॉइन्स को यूज़ किया जाएगा इनके मेटावर्स के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, जो आपको और भी बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको बॉन्गकॉइन के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, थोड़ा और डिटेल में चाहिए, तो नीचे कमेंट करें, या फिर किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, किसी और कॉइन के बारे में चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।